नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। देखिए ये बड़ी खबर, उद्योग नगरी कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को शहर में जलभराव का विरोध करना भारी पड़ गया है। वह अपनी लग्जरी कार पर नाव बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, वे लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर नाव में बैठे हुए थे, लेकिन कानपुर की ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का दोषी करार दिया है। इस मामले में कानपुर पुलिस ने उनकी गाड़ी के खिलाफ 2000 रुपए का चालान भी काटा है। वहीं चालान की कार्यवाही के बाद DCP ट्रैफिक ने बताया कि विधायक पुलिस की अनुमति के बिना शहर में गाड़ी पर नाव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं चालान की कार्यवाही के बाद ADCP ट्रैफिक ने बताया कि विधायक पुलिस की अनुमति के बिना शहर में गाड़ी पर नाव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश हो रही है, इसकी वजह से कानपुर समेत राज्य के अन्य शहरों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। इसी समस्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमिताभ वाजपेयी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी लग्जरी कार के ऊपर नाव बांध रखी है और समर्थकों के साथ लाइफ जैकेट पहनकर उसमें बैठे थे। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसी दौरान किसी ने इस वीडियो विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि पुलिस को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में विधायक की गाड़ी का 2000 रुपए का चालान काट दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन प्रदर्शन के समय उन्होंने दावा किया था कि नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ वह सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। उस समय वह नाव पर बैठकर शहर के कई इलाकों में घूमे, कहा था कि कानपुर स्मार्ट सिटी है और यहाँ कभी भी और किसी को भी गाड़ी छोड़कर नाव में बैठने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि मॉनसून से पहले नाला सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई है, इसके चलते शहर में जगह जगह जलभराव है और सड़कें खस्ता हालत हो रही है सड़कों की। उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जूही पुल के नीचे जलभराव की वजह से डिलीवरी मैन की मौत का मसला भी उठाया था। कहा कि जलभराव के कारण एक गरीब की जान गई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने उसके परिवार को मुआवजा देना भी जरूरी नहीं समझा। सपा विधायक ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कार खरीदें तो साथ ही एक नाव भी जरूर खरीदें, हेलमेट खरीदें तो लाइफ जैकेट भी खरीदें, क्योंकि बरसात में यही काम आएगी आपकी कार नहीं। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि BJP सरकार में उनके अपने विधायकों तक की नहीं सुनी जा रही है। नाव पर बैठे सपा विधायक का ये विरोध प्रदर्शन सरसैया घाट के शुरू होकर एक्सप्रेस रोड, घंटाघर, मेघदूत चौराहा होते हुए वापस सरसैया घाट पर खत्म हुआ था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और भी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।